तौर पर मध्य प्रदेश और इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। जहां कभी तापमान अचानक से बढ़ जाता है तो कुछ ही दिनों में तापमान में अचानक गिरावट आती है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी तापमान में इसी तरह की अस्थिरता रहेगी, जिसका सीधा असर प्याज सहित अन्य फसलों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार प्याज की पैदावार बहुत अच्छी नहीं होगी। लोगों को प्याज महंगाई के आंसू रुलाता रहेगा, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने बात की मौसम वैज्ञानिक और कृषि वैज्ञानिक से और जाना कि किस तरह मौसम का और फसलों का मिजाज रहेगा। जी, ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहले तापमान रहता था उससे तापमान लगातार कभी कम कभी ज़्यादा, अगर कोई किसी भी फसल के लिए जो तापमान चाहिए रहता है वो एक निश्चित तापमान थोड़े लंबे समय तक चाहिए रहता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, दो दिन थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाती है, अचानक से फिर से गर्मी आ जाती है। तो इस कारण से प्याज की फसल हो या कोई भी फसल हो, उसकी वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। जब भी थोड़ी ठंडक होती है तो उसमें वानस्पतिक जो वृद्धि होती है प्याज की या किसी दूसरी फसलों की, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी अचानक से तेज़ तापमान हो जाता है, तब उसमें फूलों का उत्पादन होता है, और फूलों का उत्पादन जो है प्याज के लिए अवांछनीय है। प्याज के लिए बिल्कुल भी हमको फूल नहीं चाहिए है, क्योंकि वो सीधे कंद की जो गुणवत्ता है उसको कम कर देता है। और इसीलिए अब इस टाइप का जो तापमान है, ये जो ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर में, और साथ में अपन को रेनफॉल में भी कभी कभी देखने मिलता है अभी मालवा रीजन में फ्लक्चुएशन, इसी कारण फसल जो है उसके उत्पादन पे साथ में उसकी गुणवत्ता पे काफ़ी ज़्यादा असर। आने वाले समय की यदि अपन बात करते हैं तो यदि 3-4 तारीख के आसपास यदि देखते हैं तो तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। अभी तो हमारा जो मौसम है उसमें थोड़ी सी ठंडक है, और जो हमारा तापमान है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लगभग औसत के आसपास है, परंतु आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पुनः इसमें वृद्धि की संभावना है। और यदि लगातार इसमें वृद्धि होती है, इसके बाद यदि हमारे टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव हमारी जो आने वाली फसल है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। परंतु यदि तापमान सामान्य रहा और यदि ठंडक ज़्यादा रही, तो फिर हमारी फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और अच्छा उत्पादन होगा।